दिया दिए जी करे हम तुझे जबरदस्ती हे भगवान आप तो हम दोनों को किडनैप पर वो क्यों तुम थोड़ा एक सेकंड में बोलता हूं आगे जाओ आगे क्या होता है वेलकम भाई जाने दो और आगे जाओ फिर से ना वही है दीपक दीवांगी डरते डरते कुछ तो गड़बड़ है वो बाहर वाला दीपक बाहर वाला दीपक दीवानगी नहीं है दीपक दीवानगी हम मिल के आए हम हाँ उसकी बाइक बड़ी सौतेली है अरे नहीं नहीं सौतेली होगी सौतेली सौतेली नहीं भाभी सौतेली क्या सूट सूट के मार रही थी उसको हम खुद बच के भागे वहां से जब दीपक जी यहाँ पर है तो तू उनसे मिलकर कैसे आ सकता है दीदी कहीं गधा भैया सही तो नहीं बोल रहे डरते डरते अगर छोटे जेठ जी कपी जी नकली दीपक ला सकते हैं तो क्या बड़े जेठ जी भी दीपक ला सकते हैं नकली डरते डरते नहीं 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 चलिया माना कि टीसी बाबू थोड़ा चतुर चालाक हैं लेकिन वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते और गोमुख भैया ने बताया ना कि वो नकली दीपक को इसलिए लेकर आए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके भुटक भैया मेरे शक को दूर करने के लिए दीपक जी से बात नहीं कर पाए ये गधा जरूर किसी और के घर पहुंच गया होगा नहीं नहीं भाभी कुछ तो भाई बात तो यकीन करो कुछ तो गड़बड़ है हम सच्ची ऊंची कह रहे हैं सच कह रहे हैं हमको दीपक दीवान हम अपनी फहमी हो रही है आपको कुछ गलत फहमी हो रही है आइए सर मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे शक की ट्रेन इस तरह गलत ट्रैक पे चलती हो चलेगी भाई राम आप सब सुन लिया ए जी मैं वो हमने गधा प्रसाद को गोपीचंद गधा चंद जासूस बना के दीपक दीवांगी का एक घर ले गया और कब तक तुम्हारे इंजन में शक का कोयला जलता रहेगा कब तक तुम्हारे सामने दीपक दीवांगी यहाँ घर में मौजूद है और मेरे पीछे तुम उसकी जासूसी करवा रहे हो तो चलो कोई बात लेकिन सोचिए अगर यही बात बाहर बैठे दीपक दीवानगी को पता चली तो क्या बीतेगी उस पर कौन आप फुल स्टॉप टूट पड़ेंगे जी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो मुझे माफ कर दीजिए हाँ मैं भी माफ कर दीजिए बड़े जी की डरते थे क्या जमाना है भाभी हाँ आपस में मिलके प्लानिंग कर रही हैं कुछ तो गड़बड़ है। तू अपनी बकबक बंद करेगा गधा कहीं का स्मृति खराब है जा छत पे चावल सूखने के लिए रखी ले कर इसके वो तुरंत बोलती है हम भाभी हम आपको अपनी दीपक दीवान से बुला के रहेंगे हम आपको हमें इस तरह मार रहे हैं हमें सारे देखे रहेंगे कि भाभी कुछ तो गड़बड़ क्यों खींच के लाई है हमारी गुस्सा फट जाती गधे हम तुझे इस तरह जबरदस्ती इसलिए लेकर आए चलिए कि मैंने तुझे दीपक जी के यहाँ भेजा था वो क्यों अरे क्योंकि गधा भैया बाहर जो जेठ जी के साथ खड़े थे वही दीपक दीवानगी है डरते डरते नहीं भाभी नहीं आपको कोई गलत फहमी हो रही है अभी अभी उसके घर पे उसकी वाइफ बड़ी सौतेली है अरे सौतेली पत्नी सौतेली नहीं भाभी सौतेली दीपक दीवानगी भाभी क्या बकवास कर रहे हो तू गधे लगता है तू फिर कोई गलाबंदी करके आया है जब दीपक जी यहाँ पर है तो तू उनसे कैसे मिलकर आ सकता है हम खुद मिलके आए हैं और अपनी आंख से
दीपक दीवानगी को। दीदी कहीं गधा भैया सही तो नहीं बोल रहे हैं? अगर छोटे जेठ जी और कपी नकली दीपक को ला सकते हैं तो क्या पता जेठ जी वाला दीपक भी नकली ही हो। हाँ। नहीं 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 चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। मोहक भैया ने भी बताया ना कि वो नकली दीपक को इसलिए लेकर आए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके घुटक भैया मेरा शक दूर करने के लिए दीपक जी से सच नहीं बोल पाएंगे। ये गधा जरूर किसी और के घर में घुस गया होगा। हाँ यकीन करो, हम देखकर आए दीपक दीवानगी को। आपको कोई गलतफहमी हो रही है? आपको पक्का कुछ गलत फहमी हो रही है। शाबाश भारतीय नारी, शाबाश। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी शक की ट्रेन इस तरह गलत ट्रैक पर चल सकती है। आपने सब सुन लिया ये जी, वो मैं आपने गधा प्रसाद को गोपीचंद गधाचंद जासूस बना के दीपक दीवानगी के घर भेज दिया। कोयल, कब तक तुम्हारे इस इंजन में क्या है शक, तुम्हारे इंजन में शक का कोयला जलता रहेगा कब तक? दीपक दीवानगी तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम मेरे पीछे उसकी जासूसी करवा रही हो। अभी भैया तो चलो अपने, कोई बात नहीं, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये बात बाहर बैठे दीपक दीवानगी को पता चली तो क्या बीतेगी उस पर? क्या जमाना आ गया। ब्रैकेट ओपन। भाभी आपस में मिलके प्लानिंग कर रही हैं। हम भाई तो ऐसा नहीं करते। और कलयुग है भैया, और कलयुग। ब्रैकेट ओपन। इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा शक मत करना, वरना मुझसे बुरा पति कोई नहीं होगा। क्या मतलब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा? एक गर्मा गर्म चोय 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 भिजवा कमरे में। दो 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 अभी भिजवाती हूँ, आप चलिए। मैं कल ही होगा। दीवानगी से मिला के रहेंगे और ये बता के रहेंगे कुछ तो गड़बड़ है। सर इस सीरियल में आपका क्या क्या नाम किरदार, किस तरह किरदार निभा रहे हैं? मैं इस सीरियल में घोटक केसरी नारायण का किरदार निभाता हूँ। मैं इस चिड़ियाघर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये मेरा छोटा भाई है गौमुख केसरी नारायण, फुल स्टॉप। तो अब कहानी ये हुई है कि मैं रेलवे में टीसी हूँ, हेड टीसी हूँ, और क्योंकि अभी छुट्टियाँ आ रही हैं और स्टाफ की कमी है तो हमारे जो स्टेशन मास्टर साहब हैं उन्होंने एक लेडी टीसी को अपॉइंट किया है। अब उस लेडी टीसी बहुत ही खूबसूरत है, जवान है, तो मेरी जो बीवी है कोयल उसे ऐसा शक होता है कि मेरे और उस लेडी टीसी के बीच में कुछ चल रहा है। अब जब किसी औरत के दिमाग में अगर शक का कीड़ा घुस जाए तो उसे निकालने में आदमी का दम निकल जाता है और वही मेरे साथ अभी हो रहा है। जी बिल्कुल, और भैया ने जब भी मुझे मुसीबत आई है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, भले वो स्कूल में हो, मोहल्ले में हो, वो सब में भैया ने मेरा साथ दिया है। तो आज ऐसा हुआ है कि भैया के ऊपर एक मुश्किल आई है, एक मुसीबत टूट पड़ी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह भैया को उस मुश्किल से मैं निकाल पाऊँ जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि मेरे भैया मेरे लिए भगवान हैं। मैं उनको एकदम भगवान की तरह देखता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी मेरे लिए भगवान हैं। मेरा कैरेक्टर ऐसा है। तो यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि भैया के ऊपर जो मुश्किल आई है, जो भाभी को शक हो गया है, जो कि गलत शक है,
मुझे लगता है गलत है। नहीं नहीं बिल्कुल गलत है भाई बिल्कुल गलत तो है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी करके ये शक का कीड़ा जो है ये ऑपरेशन करके भाभी के दिमाग से निकाल दिया जाए। जैसे कि लग रहा है कि आप कोयल जी को जानबूझ के तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे आप। नहीं देखिए क्या होता है कि जब इंसान समझने के लिए तैयार ना हो, जब उस शक का कीड़ा उसके दिमाग में ऐसा घर कर गया है कि हर बात में उसे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा वक्त उस लेडी टीसी के साथ बिता रहा हूँ या मैं ज़्यादा वक्त तवज्जो उसको दे रहा हूँ और कोयल की और ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसे निकालने के लिए फिर थोड़ा सा नाटक तो आदमी को करना ही पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो सही ट्रैक पे चलनी चाहिए। अगर आपने शादी की है, आप एक पत्नी व्रता अगर हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी पत्नी आप पर भरोसा करे। तो इस उसे भरोसा देने के लिए थोड़ा कुछ झूठ बोलना पड़ रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ। दिवाली में चिड़ियाघर में हम दिवाली मना रहे हैं। अभी तो जब शक का कीड़ा दूर हो जाएगा तो दिवाली अपने आप बन जाएगी और पर्सनली जो ट्रेडिशनल वे में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, गेट टुगेदर होगा, लंच और डिनर्स होंगे, सो बस फैमिली के साथ बिताएंगे दिवाली। और मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि प्ले सेफ, दिवाली एंजॉय कीजिए, खूब मज़े कीजिए और चिड़ियाघर देखते रहिए। जी बिल्कुल जी, मैं भी अपने फैमिली के साथ ही दिवाली सेलिब्रेट करूँगा। मेरी छोटी बेटी है, उसके साथ मैं, मेरी पहली दिवाली होगी, उस बेटी की पहली दिवाली है मेरी बेटी की, तो मज़े करने वाला हूँ बहुत अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, फैमिली में एंजॉय करने वाले हैं। और दर्शकों को मैं यही बोलूँगा कि आप दिवाली मनाइए और एकदम सुरक्षित होकर मनाइए, मिठाइयाँ खाइए बहुत सारी, इन्जॉय कीजिए और थोड़ी सी पूजा भी कर लीजिए और इसी तरह चिड़ियाघर देखते रहिए। थैंक यू। दिवाली की मुबारकबाद देके आप देख रहे हैं।